नमस्कार, मैं कल्पना आपका न्यूज 47 में स्वागत करती हूँ। आज हम अपने टॉप 10 सीरीज में लेके आए हैं उन टॉप 10 एक्टर्स और सेलिब्रिटीज के बारे में जिनकी कम एज में ही मृत्यु हो गई। तो चलिए बात करते हैं उन एक्टर्स और सेलिब्रिटीज के बारे में। दिव्या भारती। अपने टाइम में बॉलीवुड बहुत पॉपुलर फीमेल एक्ट्रेस में से एक दिव्या भारती का बहुत कम एज में निधन हो गया। उनकी डेथ रियलिटी में आज तक एक मिस्ट्री बनी हुई है और इंडस्ट्री में सबसे अनएक्सपेक्टेड डेथ में से एक रही है। 1990 में एक तेलुगु मूवी से डेब्यू करने के बाद भारती कुछ साल बाद बॉलीवुड में चली गई। इस यंग एक्ट्रेस का इलस्ट्रियस एक्सिस्टेंस अचानक से छोटा हो गया जब वह अपने 5th फ्लोर के अपार्टमेंट की बालकनी की खिड़की से गिरकर मर गई। 1993 में अपनी डेथ के टाइम भारती सिर्फ 19 ईयर्स की थी। इरफान खान। इरफान खान 3.5 डिकेड्स में इंडियन सिनेमा के फाइनेस्ट एक्टर्स में से एक रहे थे जो वह अपने पैशन का फॉलो कर रहे थे। लेकिन टेरिफिक खान, जो हॉलीवुड में भी एक स्टेलर प्रेजेंस थी, एक मेडिकल कॉम्प्लिकेशन के कारण उनका इलस्ट्रियस लाइफ छोटा हो गया। उन 53 ईयर्स ओल्ड टैलेंटेड एक्टर्स का 2020 में एक रेयर न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर के ट्रीटमेंट के कुछ ईयर्स के बाद कॉलन इन्फेक्शन से डेथ हो गई। श्रीदेवी। इंडियन सिनेमा के आइकॉनिक एक्टर्स में बॉलीवुड उस समय शॉक में आ गया जब 2018 में लेजेंडरी श्रीदेवी की अनएक्सपेक्टेड डेथ हो गई। 54 साल की एज में उनकी एक्सीडेंटल डेथ हो गई जब वह दुबई में अपने होटल के रूम के बाथ टब में डूब गई जहां वह एक फैमिली वेडिंग अटेंड कर रही थी। जिया खान। बॉलीवुड को रेटल्ड अप कर देने वाली सबसे सेंसेशनल सुसाइड्स में से एक 25 ईयर्स ओल्ड जिया खान ने खुद को फांसी लगा ली। 2007 में अमिताभ बच्चन के साथ बॉलीवुड में एक्टिंग करने के बाद खान ने 2013 में ट्रेजिकली डेथ से पहले सिर्फ 3 मूवीज में रोल किया था। खान ने एलिजली सूरज पंचोली के साथ अपने ट्रबल रोमांटिक रिलेशनशिप के कारण सुसाइड कर लिया। खान ने पंचोली को एक सुसाइड नोट में भी एड्रेस किया जिसे बाद में सुसाइड के लिए उकसाने के चार्जेस में अरेस्ट किया गया था। सुशांत सिंह राजपूत। एक यंग एक्टर के लाइफ का क्लेम करने वाले कंट्रोवर्शियल सेलिब्रिटी सुसाइड्स में से एक सुशांत सिंह राजपूत का अनटाइमली डिमाइस इमेंस स्पेक्यूलेशन का कारण हुआ। अपने समय के बॉलीवुड में सबसे फाइनेस्ट और सबसे पॉपुलर सेल्फ मेड एक्टर्स में से एक राजपूत की 2020 में 34 साल की एज में सुसाइड से डेथ हो गई। लक्ष्मीकांत बेर्डे। हालांकि मेनली मराठी मूवीज में एक मेन स्टे एक्टर, लक्ष्मीकांत बेर्डे ने भी बॉलीवुड में अपनी एक अलग पहचान बनाई। बेर्डे ने अपनी कई परफॉर्मेंस के साथ 2 डिकेड्स तक ऑडियंस का एंटरटेनमेंट किया। पॉपुलर एक्टर का 50 ईयर्स की एज में किडनी एलमेंट के कारण डेथ हो गई। प्रत्युषा बनर्जी। प्रत्युषा बनर्जी एक इंडियन टेलीविजन एक्ट्रेस थी। उन्होंने कई टेलीविजन और रियलिटी शोज में परफॉर्म किया था। बनर्जी का पहली बार 2010 में टेलीविजन शो बालिका वधू में पहचान मिली। टेलीविजन सीरीज में यह उनकी पहली लीडिंग रोल थी जहां उन्होंने आनंदी का रोल प्ले किया। 1 अप्रैल 2016 को बनर्जी अपने मुंबई अपार्टमेंट में हैंग्ड पाई गई और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अकॉर्डिंग डेथ आइफिक्सिया से थी। उनके पेरेंट्स का आरोप है कि उसके बॉयफ्रेंड ने उसका मर्डर कर दिया और उसे सुसाइड बताकर छोड़ दिया। सिद्धार्थ शुक्ला। सिद्धार्थ शुक्ला मुंबई के रहने वाले थे। उन्होंने अपने करियर की स्टार्टिंग मॉडलिंग से की थी। उन्होंने सोनी टीवी पर टीवी शो बाबुल का आंगन छूटे ना से अपने एक्टिंग की स्टार्टिंग की। टीवी रियलिटी शो बिग बॉस में पार्ट लेने के बाद 2019 में वे पॉपुलर हो गए जहां उन्हें फरवरी 2020 विनर अनाउंस किया गया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली सिद्धार्थ शुक्ला का डेथ 2020 में 2 सितंबर को कार्डियक अरेस्ट के कारण हो गया। संजीव कुमार। एक नेशनल अवार्ड विनर वर्सेटाइल संजीव कुमार बॉलीवुड के उन एक्टर्स में से एक थे जिनकी डेथ जल्दी ही हो गई। एक अकम्पलिश्ड एक्टर जिसे अब तक के सबसे महान इंडियन सिनेमा में से एक के रूप में जाना जाता है, कुमार ने इंडस्ट्री में 25 ईयर्स तक काम किया। एक मैसिव हार्ट अटैक के बाद 48 ईयर्स की एज में उनकी डेथ हो गई। विनोद मेहरा। चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में बॉलीवुड में डेब्यू करने वाले विनोद मेहरा उन एक्टर्स में से हैं जिनकी यंग एज में डेथ हो गई। उन्होंने बॉलीवुड में 2 डिकेड्स तक काम किया है। 45 ईयर्स की एज में हार्ट अटैक से उनका डिमाइस हो गया। अभी के लिए बस इतना ही। आगे की जानकारी प्राप्त करने के लिए देखते रहिए न्यूज 47।